मैं जान गई हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे कंधे पर रखकर आप मानव और अर्चना के रिश्ते पर बंदूक चलाना चाहते हैं। ये तो क्या कह रही है, कंधा बंदूक, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुझे कुछ अरे गलत फहमी हो गई है। मानव मेरा बेटा है, क्या बात कर रही है तू? और अर्चना की माँ, उसे सुखी नहीं देख सकती आप, है ना? आपने बहुत कोशिश की कि मुझे कुछ पता नहीं चल सके, लेकिन क्या है ना, भगवान हमेशा सच का साथ देता है। आई प्लीज, वक्त है, संभल जाइए, अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मत मारिए, अपने हाथों अपना घर तबाह मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये लड़ाई जीत भी गई ना, तो अपने जीने के सारे सहारे खो बैठेंगी। और जब आपकी आंख खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखो, ये जो चौल का प्रोजेक्ट है, मैं जानता हूं मानव ने करने से मना कर दिया, पर मेरी एक राय है, नॉट एज अ प्रोफेशनल बट एज अ वेल विशर, तुम उसको अपने अंदाज में समझाओ, उसे बताओ कि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और ये करने के बाद उसका करियर कहां से कहां पहुंच जाएगा इसका उसको अंदाजा नहीं। शायद आप ठीक कह रहे, मैं जानती हूं कि मानव को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, राइट? लेकिन इस फैसले में मैं मानव के साथ हूँ। सर, मैं नहीं जानती कि बाकी लोगों के लिए चौल कितनी मायने रखती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये चौल हमारे लिए बहुत मायने रखती है सर, बहुत ज्यादा। यहाँ मेरे मानव ने जन्म लिया, मेरा बेटा सोहम उसने भी यहीं जन्म लिया, अब इस चौल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं सर। मैं जानती हूँ कि आप हमारे वेलविशर हैं सर, लेकिन अगर बात चौल की तो मैं मानव का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं चलती हूँ। यही प्लान है, कुछ भी करके ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना हो। अगर मानव के आने से पहले वो ऑक्शन हो गया तो हमारी जीत पक्की है। वाह धर्मेश, वाह, इसका मतलब ये है कि सविता काकी भी हम लोग के साथ ही है। हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मानव को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्या कह रहे हो धर्मेश, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि ऑक्शन की डेट प्रीपोन कर दी जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सर, आप चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, और दूसरे अब कुछ भी कर पाना मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ आप ही के हाथ में तो है सर, प्लीज आप ऑक्शन की डेट प्रीपोन कर दीजिए। अरे मैं तो उनसे मिलकर आऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। अरे मैडम रुकिए, छोड़िए। अरे सर, ये मैडम जबरदस्ती अंदर घुसी चली आई, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश किया और मेरी बात ही नहीं मानी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो इनसे बात करने के लिए आई हूँ। सर, कहीं आप इस आदमी की बातों में तो नहीं आ रहे ना, ये आपको ना बहला फुसला कर ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना चाहता है। लेकिन प्लीज आप ऐसा करने का सोचिए भी मत, बहुत गजब हो जाएगा। प्लीज प्लीज इसकी बातों में मत आइए आप। देखिए मैडम, आप जाइए यहाँ से, और एक तो मैं किसी की बातों में आकर अपना फनी बदलता हूँ, और दूसरे जबरदस्ती अपने ऑफिस में घुसाए व्यक्ति को मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। अरे अरे, इस मोटे ने आपको बहुत मोटी रिश्वत दी है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे आप अच्छी तरह जानते हैं ना, मैं अपने घर को बचाने के लिए बहुत जतन से पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, और मैं अपना घर बचा भी लूंगी, लेकिन आप जैसे बेईमान लोग उस घर को हड़पना चाहते हैं। अरे इसने आपको बहुत रिश्वत दी है ना, आप तो बहुत बेईमान है, और मैं आप लोगों को देख लूंगी। मैडम, तक तो मैंने डेट को प्रीपोन करने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब ये डेट प्रीपोन होकर ही रहेगी। से 2 दिन पहले ऑक्शन होगा। मान गए, क्या कमाल का दिमाग है आपका। भाई मैं मान गया कि कुछ सिचुएशंस को औरतें ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती।